रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए एक तरह से एक अभियान, एक स्कीम लॉन्च किया गया उनके एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए। तो नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे, किन के लिए है, क्या इनका मेन मोटो है इस अभियान का, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट होंगे, कैसे पार्टिसिपेंट होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये कैंपेन एक तरह से क्या है, लार्ज अमाउंट में मैसिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कराने का, रूरल एरिया में मैसिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का एक कैंपेन है जिनको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेम है गरीब कल्याण रोजगार। इसके थ्रू जो रूरल एरियाज हैं उनमें लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा लाइवलीहुड के थ्रू। हुआ ऐसा है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लार्ज अमाउंट में जो वर्कर्स जो स्टे करते थे शहर में, जहाँ पर फैक्ट्रीज और भी चीजें थी जहाँ पर वो काम करते थे, तो लॉकडाउन की वजह से रेस्ट्रिक्शन और लगने की वजह से तो वो सब बंद हो गया और उन लोगों को जो है वापस कुछ दिन के बाद घर आना पड़ा, जिससे क्या उनका लाइवलीहुड और जो एम्प्लॉयमेंट वो दोनों चला गया। तो इनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक तरह से ये एक अभियान है, एक तरह से स्कीम है। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया तेलियार विलेज से, बेलदौर ब्लॉक से, खगड़िया बिहार, जो कि 20 जून को लॉन्च किया गया। जिस पार्टिसिपेटिंग स्टेट है, जिस जिस स्टेट में इनको इस अभियान को लॉन्च किया जाएगा, वहां पर लागू किया जाएगा, वहां के लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा, वहां के 6 स्टेट के सीएम और वहां के रिप्रेजेंटेटिव कुछ मिनिस्टर के द्वारा इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया। अब हम इनकी मेजर जो ऑप्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स है उनकी बात करते हैं। तो पहला मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव इस इनिशिएटिव का है कि लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना है जो रिटर्निंग माइग्रेंट है, और उसी तरह से पेंडेमिक की वजह से जो अफेक्टेड रूरल सिटीजन है उन दोनों को एक तरह से लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना। साथ साथ जो रूरल एरियाज है उनमें इसको लोगों को जो है इनके थ्रू, इस अभियान के थ्रू लोगों का इस्तेमाल करके वहां पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरिया में उनको भी डेवलप करना, ताकि एक तरह से उन लोगों को लाइवलीहुड भी मिल जाए और एक तरह से जैसे रोड्स हो गए, हाउसिंग हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, पंचायत भवन हो गया, इस तरह के जो एसेट है वो तैयार हो सके रूरल एरियाज के लिए, गाँव के लिए। और साथ साथ जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एक तरह से रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनके स्किल के थ्रू 125 दिन के लिए। अब हम लोग जो जान लेते हैं कि ये जो 125 दिन का जो वर्क उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उनके स्किल के अकॉर्डिंग, जो कि एक तरह के मिशन मोड के रूप में होगा, उसमें कितने कैटेगरी के काम है या एक्टिविटी है, वर्क एक्टिविटी है। तो 25 कैटेगरी के वर्क और एक्टिविटी को बताया गया है। अभी हम लोग उसमें कैटेगरी को भी जानेंगे कौन कौन सा काम जो है इनमें शामिल किया गया। टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां पर ये जो अभियान के रूप में चलेगा। तो ये जो 116 डिस्ट्रिक्ट जो चूज किया गया है, वो चूज किया गया है जो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर है उनके लार्ज कंसेंट्रेशन को एनालाइज करके वो उन डिस्ट्रिक्ट को वो तरह से चुना गया है। और बेसिकली जो लार्ज अमाउंट में जो माइग्रेंट वर्कर जो जो स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा, ये सब जो 6 स्टेट है यहाँ पर एक तरह से ये जो अभियान है एक तरह से मिशन मोड के रूप में चलाया जाएगा। इसके लिए जो पब्लिक वर्क इस काम के लिए, इस पब्लिक वर्क इस कैंपेन के लिए कितने जो है रिसोर्स को यहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो 50,000 करोड़ रुपीज जो है इस कैंपेन के लिए प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इस कैंपेन का जो नोडल मिनिस्ट्री होगा, एक तरह से सुपरवाइजिंग मिनिस्ट्री जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के को देखेगा, तो कौन होगा, तो सबसे मेन बात तो सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो होगी, और जिस स्टेट में इनको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलके एक तरह से इस कैंपेन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेट जो है किसमें कितना कितना डिस्ट्रिक्ट जो शामिल किया गया। तो बिहार में जो है 32 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश में 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 24 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4, झारखंड में 3, तो टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया
किया जाएगा। और उसके अलावा भी कुछ कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी इसको एक तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, उनका लॉन्च किया जाएगा। अब क्या है, कौन कौन से जो एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर, उनमें उनको काम मिलेगा, तो वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटेशन सेंटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राम पंचायत भवन, वर्क अंडर 14th फाइनेंस कमीशन फंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे वर्क, वाटर कंजर्वेशन हार्वेस्टिंग वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, प्लांटेशन वर्क, हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, रूरल हाउसिंग वर्क, रूरल कनेक्टिविटी वर्क, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल सीड, पोल्ट्री सीड, गोट सीड, वर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर, रेलवे, आर अर्बन्स, पीएम कुसुम, भारत नेट, कैंपा प्लांटेशन, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, केवी के ट्रेनिंग फॉर लाइवलीहुड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट वर्क। तो ये सब 25 कैटेगरी के काम उनके स्किल के आधार पर दिया जाएगा 116 डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो अभियान है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको सक्सेसफुल कराने के लिए जो गवर्नमेंट का, जो डिपार्टमेंट का, जो 12 मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो सारा मिलकर, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, माइंस हो गया, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, एनवायरमेंट, रेलवे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर एंड रोड्स, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो ये सब जो मिनिस्ट्रीज है और डिपार्टमेंट है, ये सब मिलकर इनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। टोटल जो 25 जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सब में इनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने की कोशिश किया जाएगा। और एक तरह से इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे प्रोग्राम के, इस पूरे स्कीम के, अभियान के जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, उनको एक तरह से सुपरवाइज कौन करेगा, ओवरसी कौन करेगा, तो सेंट्रल नोडल ऑफिसर एक नियुक्त किया जाएगा। और सेंट्रल जो नोडल ऑफिसर होगा वो एक तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक का होगा। अब बात करते हैं जो इस प्रोग्राम का एक एडिशनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में, कि इस अभियान के थ्रू जो है वो रूरल एरिया में जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराने का कोशिश किया जाएगा, जैसे कि हाई स्पीड और चीप इंटरनेट है जो सभी जो रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश किया जाएगा, जिससे जो यूथ्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। देखा गया था कि पेंडेमिक के दौरान जो रूरल एरिया में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है बहुत ही कम है, उस समय पेंडेमिक के समय बहुत ही परेशानी झेलने को मिला, क्योंकि जो ऑनलाइन सर्विसेज है रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाती थी, इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता था। जैसे कि अगर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो उसमें रूरल एरिया में ऑनलाइन एजुकेशन की बात करना एक तरह से ना सोचने के बराबर, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट का पेनिट्रेशन है ही नहीं, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, वहाँ टावर्स की व्यवस्था कुछ खास नहीं, तो इस तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए जो फाइबर केबल्स है और जो इंटरनेट का प्रोविजन, उनको ग्राउंड लेवल रूरल एरिया तक पहुँचाने के लिए इस अभियान में शामिल किया गया इस काम को भी। और नेक्स्ट बात, ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन लोगों को जो काम मिलेगा वो है 16 डिस्ट्रिक्ट जो है 6 स्टेट में, वहाँ पर उन लोगों को जो माइग्रेंट वर्कर हैं और जो अफेक्टेड सिटीजन है, उनको कहीं बाहर जाकर, कोई दूसरे विलेज जाकर काम नहीं करना पड़ेगा, उनको खुद के वही उसी विलेज में रहकर फैमिली के साथ काम करना पड़ेगा। और उनको इसमें रजिस्टर करने के लिए नियरेस्ट जो CSC सेंटर है वहाँ पर जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।